नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झमार। हमारे देश में नेताओं का विवादित बयान देना कोई बड़ी बात नहीं है। नेताओं के विवादित बोल की एक लंबी फहरिस्त है। आज सदन में राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान को लेकर जमकर विवाद हुआ। बीजेपी सांसदों ने सदन के बाहर भी राहुल पर कटाक्ष किए। बीजेपी राहुल से माफी की मांग करती रही, लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। इसी मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। चुनावी रैली में एक बयान, देखिए जहां भी आप देखो, देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो, मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। संसद से लेकर ट्विटर तक बवाल। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर बीजेपी ने लोकसभा में जमकर हंगामा काटा और देश से माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी और दो टूक अंदाज में कहा कि मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला, और एक बार फिर वही बयान दोहरा दिया। मैं यहाँ स्पष्ट कह देता हूँ मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। राहुल ने इसके साथ ही पीएम मोदी के दिल्ली का रेप कैपिटल बताने वाले पुराने बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मेरे फोन में उनकी क्लिप मौजूद है। मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं। इस बयान पर सदन की कार्यवाही के बाद भी बीजेपी सांसदों के तेवर तल्ख नजर आए। किसी ने राहुल से माफी की मांग की तो किसी ने राहुल की नागरिकता पर ही सवाल उठा दिए। मैं राहुल गांधी के पूछना चाहती हूँ, वो भारतवासी हैं, वो इटालिया वासी हैं, भारत को क्यों अपमान करना चाहते हैं वो? अब मैं राहुल गांधी से कहता हूँ कि राहुल गांधी, आप में अगर भारत वंश का खून है, अगर देश में स्वाभिमान का खून है, देश में देश की आन बान का खून है, तो देश के तमाम महिलाओं से माफी मांगे, देश से माफी मांगे, देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति इतनी ओछी बयानबाजी करेगा, ये कभी सपना में भी नहीं कोई सपना सकता था। राहुल गांधी जी की टिप्पणी देश की बदनामी करने वाली है, महिला जाति का अपमान करने वाली है और सभी नागरिकों को आहत करने वाली है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। पूरे देश से उनको माफी मांगनी। चूंकि बयान चुनावी रैली में दिया गया था, लिहाजा बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। फिलहाल इस बयान पर जमकर हंगामा हो रहा है। हमारे नेता संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर विवादित बयान देते हैं, जिसके बाद हमेशा माफी की मांग की जाती है, लेकिन कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। टीम न्यूज स्टेट। राहुल ने साफ तौर पर कह दिया है, जो उन्होंने कहा है वो गलत नहीं कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ऐसा बयान दिया था। इस मामले पर हमारा आज का सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा में क्या है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज का सवाल है, क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए? हालांकि रेप जैसे गंभीर मसले पर कई विवादित टिप्पणियाँ आप नेट पर भी खोलेंगे तो मिल जाएंगी। फिलहाल आप इस मसले पर अपनी राय रखिए। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस मामले पर ज्यादातर लोगों ने क्या कहा है इस सवाल के जवाब में। इस मसले पर बातचीत करने के लिए श्रीमती अंजू चौधरी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उपाध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की। आप रतमरा मिश्रा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रही हैं, शबनम खान मानवाधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक पांडे प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं और विनोद मिश्रा प्रवक्ता पीएसपीएल के मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल रतमरा मिश्रा जी, क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए? और मेरा सवाल मैं जोड़ दूं, क्योंकि ऐसे बयान जो हैं अगर हम नेट भी खोलें ना कोई एक आम आदमी, तो विवादित बयान अगर आप लिख करके दें रेप जैसे मसले पर, तो कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो कहा है उसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से जो राहुल गांधी का बयान जो हम सुन रहे हैं टीवी पे,
तो वो एकदम पॉलिटिकल शो से ओतप्रोत लग रहा है उनको ऐसे बयानबाजी, वो भी नेशनल स्तर के टीवी पे, या टीवी ना हो तो भी उनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम इंडिया की छवि को न बिगाड़ें और महिलाओं की इज्जत को इस नज़रिए से न देखें, और उनका ये महिलाओं का एक सम्मान है। तो राहुल गांधी भी एक इसमें भारत के एक नेतृत्व करने वाले नेता है, तो उनको इस चीज़ को तो हमेशा जो ये बयानबाजी करते हैं जब भी बड़े हल्के वजन हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें इस टिप्पणी से बचना चाहिए। और वो जो काम करना चाहिए उन्हें महिला सम्मान के लिए, वो तो मैंने नहीं देखा कि कभी कहीं कोई महिला के सम्मानजनक कोई लड़ाई लड़ी हो या किसी के साथ कोई विवाद गलत महिला के साथ हो रहा है तो उसके लिए उनका झंडा उठा हो या कोई स्टेटमेंट दिया हो। तो ये बयानबाजी राहुल गांधी जी की नहीं है, लेकिन बयान राजनीतिकरण करने के लिए जो उनका बयान आता है वो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, देश हित में भी नहीं है और उनके भी व्यक्तित्व हित में नहीं है। रेप के मामले मिश्रा जी, रेप के मामले अगर 2017 के एनसीआरबी के रिपोर्ट की बात करें तो 32,000 के से ज्यादा देश में रिकॉर्ड किए गए हैं, तो क्या हम इसे इस तरीके से नहीं ले सकते कि राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां मेक इन इंडिया का सपना दिखाया गया था और अब ये घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में? नहीं देखिए, इसको वो कि वही बता सकते हैं उनकी किस भावना से, मुझे तो एक राजनीतिक षड्यंत्र की भाषा ही लग रही है, लेकिन घटनाएं जो घटती हैं वो तो समाज में घटित हो रही है, तो वो समाज और एक राजनीति दोनों चीजें अलग है। समाज में जो घटनाएं घट रही वो एक अपराधी से जुड़ी हुई है, ठीक है, और उस अपराधी ठीक है, राजनीतिक बू आ रही है, तंबरा मिश्रा पर राजनीतिक बू आ रही है इसमें, इस पड़ी में। अंजू चौधरी जी बताइए कि मसला तो सही है लेकिन क्या गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, गलत तरीके से ये बात रख दी, ये राहुल गांधी ने गलती कर दी है? बहुत बड़ी गलती की है, एक जिम्मेदार पद पर होते हुए भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और आज भी अपने को बहुत ही जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन कांग्रेस का कुछ भला नहीं कर करके ये जो इन्होंने कहा है कि रेप इन इंडिया अपने देश को बदनाम करें, विदेश तक में अपने देश के एकजुट होकर के हम लोग को इस बात का सॉल्व करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग वो उस मैटर को इस तरीके से पुट अप कर दे रहे हैं कि विदेश तक के लोग इसको इंडिया को ये नज़र से देखेंगे कि भारतवासी ही खुद अपने भारत की निंदा कर रहे हैं। और ये इस तरह के केसेस, रेप के केसेस पहले भी हुआ करते थे, बात अलग है कि हमारी सरकार इस पर ज़्यादा वो तवज्जो दे रही है। आप देख रहे होंगे कि निर्भया कांड इतने सालों से उसको औपचारिकता से किया गया है, हमारी सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपकी सरकार से, अंजू चौधरी जी आपकी सरकार से मेरा सवाल ये है कि ये जो आंकड़े आते हैं एनसीआरबी में छपते हैं वो भी विश्व देखता है, वो भी दुनिया देखती है, 32,000 से ज्यादा जब रेप के मामले रजिस्टर 2017 में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई तो दुनिया ने उसे भी देखा है। नहीं, इस तरह का बयान तो अपने आप राजनीति करने के लिए दूसरे पार्टी को दिखाने के लिए इस तरह का बयान तो उनको नहीं देना चाहिए, और महिलाओं का गलत था उनका बिल्कुल तरीका गलत था सही है। शब्द मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे, तरीका भी गलत है, कंपैरिजन भी उन्होंने गलत किया है, कंपैरिजन भी उन्होंने गलत किया है, मेक इन इंडिया और रेप इन इंडिया ये कितने अजीब तरीके की कंपैरिजन, नो एक दूसरे से कोई लिंक ही नहीं है। मेक इन इंडिया का मतलब है कि हम लोग मिलजुल करके भारतवर्ष को आगे बढ़ाएं। ठीक है, शबनम खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम खान जी, किस तरीके से इस बयान को आप देखती हैं, और अब राहुल ने कह दिया है कोई सॉरी नहीं बोलेंगे, कोई माफी नहीं मांगेंगे वो? कुंदन भाई, इस देश में कोई भी कुछ कहकर माफी कब मांगता देखा है आपने? आपने देखा है किसी को माफी मांगते हुए, किसी नेता ने माफी मांगी हो किसी महिला को कुछ भी अभद्र टिप्पणी करके, चाहे संसद में बैठे बैठे फोन जो देख रहे थे बैठकर विधानसभा में, उन्होंने तो माफी मांगी नहीं, फिर आप किससे आशा करते हैं कि कौन माफी मांगेगा? राहुल गांधी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे थे कि मैं देश में जो चल रहा है बलात्कार उस पर कोई बात कहूं, लेकिन हाँ उनके शब्दों में हमेशा गड़बड़ रहती है, वो शब्दों को बांध कर नहीं कह पाते कोई भी बात, यहीं पर उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने शब्दों को नहीं बांधा और उन्होंने उसको इस तरीके से, और आप देखते ही हैं विपक्ष किस तरीके से, जो सत्ता पक्ष है कैसे राहुल गांधी जी के बयान का पोस्टमार्टम कर देता है एक सेकंड में,
इनका हर बयान जायज है जो ये दे दें। मोदी जी ने कहा था अगर दिल्ली रेप कैपिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी ने कह दिया तो सारा कुछ गलत हो गया। तो मैं तो आपके माध्यम से इन नेताओं से एक चीज कहना चाहती हूँ कि बहनों के लिए कभी आवाज उठाओगे या नहीं उठाओगे, लड़कियों के लिए कभी बात करोगे या नहीं करोगे, या आप सब लोग तेरा कुर्ता मेरा कुर्ता और तूने अच्छा बोला मैंने बुरा बोला, मैंने 72 में जो बोला था वो ठीक बोला था, 19 में जो तूने बोला वो गलत बोला था, इन्हीं चक्रों में जनता को फंसा के रखोगे, बलात्कारियों पर शिकंजा नहीं कसोगे। तेरे राज में तो 72,000 केस थे, मेरे राज में तो 50,000 ही रह गए। इस पे गौरवान्वित महसूस करते हैं ये लोग, तो शर्मानी चाहिए सारे नेताओं को। तो मैं तो आपके माध्यम से हाथ जोड़कर कह रही हूँ सत्ता पक्ष से और विपक्ष से भी थोड़ा संयम बरतें जब भी महिलाओं की कोई बात करें। जब भी महिलाओं का कोई मुद्दा हो या कोई बात कर रहा हो तो जबान पर लगाम रख के बात करें। और सजा भी सबको पता है मिलनी क्या है, क्या आप पर हम आवाज उठाएंगे और फिर वो अपने कमरों में जाके एसी वाले कमरे बंद करके सो जाएंगे, क्या होने वाला है उनका? आप बताइए मुझे कुंदन भाई, किसी एक नेता का नाम याद दिला दीजिए। आप तो पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा आपको नॉलेज होगी। कोई एक नेता याद आ रहा हो कि महिलाओं को बुरा कह के वो जेल की सजा खाकर आया? नाम याद है क्या आपको एक भी? चलिए अशोक पांडे से पूछ लेते हैं। शबनम जी, अशोक पांडे से पूछ लेते हैं, बटोरने में मस्त है। अशोक पांडे साहब, क्या कभी देखा है किसी नेता ने अपने बयान के लिए माफी मांगी हो? तो राहुल गांधी से क्यों आप लोग माफी की मांग कर रहे हैं और क्यों? देखिए आपको बता दें कि हमारी सरकार ने ही फांसी की सजा का प्रावधान लाया है बलात्कारियों के लिए। आज इस समय ये प्रस्ताव आ रहा था तो नेताजी कह रहे थे नौजवानों से गलतियां हो जाया करती हैं। आज राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया है ये भारत का अपमान है। मनोहर लाल खट्टर भी रेप के लिए लड़कियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। रमनते तत् देवता जत नारी पूजनते रमनते तत् देवता, एक गायत्री प्रजापति को बचाने वाली पार्टी के लोग हैं। नहीं पांडे साहब, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रेप की घटना में लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। नहीं जाके दो सजा, भारतीय जनता हमें यहां लेक्चर झाड़ने आ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही फांसी की सजा का प्रावधान किया है, हमने ही फांसी की सजा का प्रावधान किया है, वरना ये लोग विरोध करते हैं। हम तो नारी का सम्मान करते हैं, जत नारी पूजनते रमनते तत् देवता, नारी का अपमान करने वाला आजम खां मुलायम सिंह राहुल गांधी नेता रहेगा तो फांसी लगे जो है हमने तो फांसी की सजा का। पांडे साहब, किसी रेपिस्ट को फांसी लगे 15 साल हो गए, ये जेल में क्यों नहीं है? पांडे साहब, फांसी की सजा किसी के रेपिस्ट को मिले हुए 15 साल हो गए, निर्भया के दोषी भी 7 साल से जेल में अब चिकन बिरयानी खा रहे हैं। अब मिल जाएगा, अब निर्भया कांड में फांसी होने जा रही है। निर्भया कांड को याद कर रहे हैं? अच्छा जरा सोचिए कि कौन लाया साथ में फांसी की सजा का प्रावधान? राहुल गांधी से माफी की मांग क्यों कर रहे हैं अशोक पांडे साहब? प्रावधान बन रहा था। अशोक पांडे साहब, क्यों माफी की मांग कर रहे हैं? भारत माता का अपमान किया है राहुल गांधी ने, भारत माता का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है, तो आपके नेता ने क्या देश का दिल्ली के दिल्ली का अपमान नहीं किया? शहीदों का अपमान किया है, रेप कैपिटल कहकर के हमारी पार्टी ने रेप की सजा फांसी दी है, हमारी आवाज उठाई है, हमारी पार्टी ने फांसी की सजा लाया है। बीजेपी वालों से यही कांग्रेसी विरोध कर रहे थे, यही मुलायम सिंह विरोध कर रहे थे, यही आजम खान विरोध कर रहे थे जब हम फांसी की सजा का। पांडे साहब, ठीक है, शबनम जी ऐसे 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 बयानबाजी से बोर हो चुकी हैं, सम्मान नहीं सह सकती वो, सुरक्षित है। दरअसल अब हमारे दर्शक भी शायद नहीं सुन सकते। विनोद मिश्रा जी, राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग की जा रही है। राहुल ने कह दिया सीधे तौर पर माफी नहीं मांगूंगा, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? और क्या राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है रेप इन इंडिया कह करके? पांडे साहब एक एक करके विनोद मिश्रा जी। जी, राहुल गांधी का आज का जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बलात्कार के रूप में या जो रेप इन इंडिया के लिए बारे में कहा है, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मॉकरी साबित होगी इस देश में। लेकिन राहुल गांधी को आज इस तरीके का स्टेटमेंट देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? अगर हम थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो 23 नवंबर 2013 को कर्नाटका में माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि
दिल्ली जो है रेप का कैपिटल बन गई, फिर दोबारा उन्होंने इसी बात को दोहराया 18 फरवरी 2014 को कर्नाटका में, तीसरी बार उन्होंने फिर 1 अप्रैल 2014 को बिहारी एमपी में इस बात को दोहराया, 21 अप्रैल 2014 को फिर उन्होंने इस बात को कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली को रेप का कैपिटल बना दिया है, 100 करोड़ निर्भया के कहां गए। तो एक तरफ इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं तो आज राहुल गांधी को उसी की बातों का बल मिला है, राहुल गांधी ने उसी बात को दोहरा दी, उन्होंने कैपिटल कहा था, इन्होंने इंडिया कह दिया, इसको सबको बचना चाहिए इन चीज़ों से। रही बात ये आरोप और प्रत्यारोप का राजनीतिक दौर चल रहा है, यहाँ कभी भी किसी भी संवेदनशील मुद्दे को राजनीति में खींच दिया जाता है, ये यहाँ पे आज ना निश्चित रूप से इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि अगर तुम हमारी शर्ट उतारोगे तो हम तुम्हारी पैंट उतार देंगे, इस तरीके की राजनीति से लोगों को बचना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए और नारी के लिए इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। चाहे राहुल गांधी जी जो हैं वो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके की एक बड़े चेहरे हैं, उनको इन बातों से बचना चाहिए। आज एक तरफ नारियों की बात करते हैं, दूसरे तरफ इस तरीके की बात करते हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि जिस जो उनके नानिहाल है खासकर इटली। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ। रितंद्रा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें रितंद्रा जी बताइए कि जब भी हमने देखा है कोई बड़ी घटना हुई है महिलाओं के खिलाफ, रेप जैसी घिनौनी घटना हुई है, गैंगरेप जैसी घटना हुई है, तब हमने देखा है कि ऐसी घिनौनी बयानबाजी जो है वो तब हमने जरूर देखी है, क्या दिखाता है ये? देखिए ये तो मुझे लग रहा है कि जब महिलाएं, एक तो मैं यहाँ पे अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि जब कोई ऐसी जघन्य घटना कारित होती है हमारे देश में तो उसको उसकी कानूनी प्रोसीडिंग को या उसकी उसको उसका उसको दंड देने की जो नीतियां हैं उसमें फेर बदल की कोई बात नहीं करता, उसके संरक्षण की कोई बात नहीं करता, कानूनी रूप से जल्द उसकी प्रक्रिया में आए इसकी कोई बात नहीं करता। हर नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो वो पहले जो है उस पर राजनीति करने लगता है, और मैंने खास तौर से देखा है आज तक जितनी देश में घटनाएं घटी महिला की अस्मिता से ही खिलवाड़ करते हैं। तो ये पहली तो नेता जो अपने शब्दों से बयानबाजी करते हैं ये तत्काल बंद कर दें, क्योंकि ये भारत माता है और भारत माँ की जो अपनी माँ की एक स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता वो इस देश को चलाने के काबिल नहीं हो सकता। तो ये लोग राजनीति से अगर चाहते हैं कि एक क्राइम हो रहा है, क्राइम को राजनीति में ले आने की जो इनकी मानसिकता है इससे ये लोग दूर नहीं, जब तक नहीं जाएंगे तब तक इनका बहुत अच्छा नहीं होने वाला। और दूसरी बात मैं ये नेताओं से कहना चाहूंगी अगर आपके चैनल के माध्यम से कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो मैं किसी नेता को चाहे वो छोटे पद पे हो चाहे वो पार्लियामेंट तक पहुंच गया हो कोई भी नेता उस समय संरक्षण देने की बात नहीं करता, बाद में आवाज उठाता है और वो भी सिर्फ खींचातानी करने के लिए। ठीक है, तो अगर खींचातानी करना हो तो कतई जाती है ऐसे मामलों पर। अंजू चौधरी जी, क्या महिला आयोग की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जाएगा क्या, क्योंकि बीजेपी ने तो शिकायत कर दी है चुनाव आयोग से? नहीं नहीं, महिला आयोग की तरफ से भी एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा इस पर, हम लोग बात करके कल ही परसों हम लोग की मीटिंग एक होने वाली है। जी कहिए। जी कहिए अंजू चौधरी। हाँ, महिला आयोग से हम लोग मिलकर के कल ही परसों बैठने वाले हैं और हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस तरीके के बयानबाजी चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, राहुल गांधी जी को स्पेशली माफी बिल्कुल मांगना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का बयान संसद में देना और ऐसे डेलिकेट मौके पर, जबकि रोज यहाँ कहीं ना कहीं बलात्कार हो गया है और उसके बाद वो आप इस तरीके का नाम ले रहे हैं, इस तरीके के बाद भारतवर्ष को पूरा बदनाम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग उनको माफी मांगना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में इस तरह की बयानबाजी वो न करें। शबनम खान, कुछ होगा क्या आगे? आगे कुछ नहीं होगा, आगे सिर्फ राजनीति होगी, आगे सिर्फ महिला को मुद्दा बना के सारे लोग मजे करेंगे, कोई आरोप करेगा, कोई प्रत्यारोप करेगा, कोई कहेगा मैंने ये कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई कहेगा तूने तेरी पार्टी वाले ने क्यों कह दिया, मेरी पार्टी वाला कहता तो ज्यादा मजेदार रहता, होना कुछ नहीं है। आपने देखा स्मृति ईरानी से हम कितने दिन से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जब हैदराबाद वाली बहन का बलात्कार हुआ और उसको जला के मार दिया गया कि उसके लिए आइए बहन जी बाहर,
बहन जी बाहर आइए, स्मृति दी बाहर आइए, तो बहन जी के मुंह में ताला था। आज राहुल गांधी को देखते स्मृति ईरानी की पूरी जो महिला का वो था उनके अंदर सारा जागृत हो गया। आज सारी आवाज भी निकल आई उनकी। ये तेरा मेरा बलात्कारी है, वो मेरी पार्टी का बलात्कारी है, ये छोड़ना पड़ेगा राजनेताओं को। लड़कियों के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे राजनीति छोड़नी पड़ेगी, तब बनेगी बात। और सबसे पहले अपनी अपनी पार्टियों से भगाइए जरा। देखती हूँ मैं कौन सी राजनीतिक पार्टी भगाती है। आज ही मैं कह रही हूँ, चलिए जो भी आपका बलात्कार का आरोपी है निकाल के बाहर फेंकी अपनी पार्टी से, देखिए किसमें मर्दानगी है, कौन सी पार्टी निकालती है। चलिए यही कह दीजिए मेरे, मैं आपके माध्यम से इनसे कह रही हूँ, जो भी पॉलिटिकल लोग बैठे हैं। अशोक पांडे सुन रहे हैं मेरे पास, क्योंकि वक्त नहीं है, जवाब लेने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन अशोक पांडे सुन रहे हैं। तेरी पार्टी मेरी पार्टी के बलात्कारियों को अलग कर दीजिए पार्टी से ही, तो बेहतर होगा। और उन्होंने ये कहा था, इसलिए मैंने ये कह दिया, ये जायज नहीं है, गलत बोलना गलत ही कहा जाएगा। पांडे साहब मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो महिलाओं की अस्मिता को लेकर जो बयानबाजी होती है वो कहीं से भी सही नहीं कही जा सकती है। बहरहाल हमने आज जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब ज्यादातर दर्शकों ने क्या दिया है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे आज का सवाल क्या था वो हम आपके सामने एक बार फिर से रख दें, क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने रेप इन इंडिया का जो बयान दिया था, हालांकि यहाँ पर देखिए 30% लोग ही कहते हैं हाँ माफी मांगनी चाहिए, और 70% लोग कह रहे हैं कि नहीं माफी नहीं मांगनी चाहिए। दरअसल पॉलिटिकल क्लास को लेकर के सोच क्या है देश में, लोगों में ये जो आंकड़े हैं बताने के लिए काफी हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।